सब्सक्राइब कीजिए आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, कभी ना कभी खबरों में आता ही रहता है, हर दो चार दिन के बाद कोई ना कोई गूगल क्रोम के लिए चेतावनी जारी होती रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गूगल क्रोम का अल्टरनेटिव लेकर आया, और ये पूरी तरह से एक्सेसिबल है स्क्रीन रीडर के साथ। और केवल एक्सेसिबल ही नहीं, यह सिक्योर भी है, पूरी तरह से सिक्योर है, और आप इसका यूज़ बेझिझक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कौन सा ऐप है और इसका यूज़ कैसे करना है, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और आज मैं इस ऐप के बारे में पूरी तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। टैप टू स्टॉप, गूगल लेंस बटन, होम बटन, नेव बार। तो दोस्तों, चलते हैं उस ऐप की तरफ। उस ऐप का नाम है एज सिस्टम लॉन्चर। एज, तो एज, ई डी जी ई, इसकी स्पेलिंग है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो आप, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये एज के नाम से आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, और ये आप प्ले स्टोर में वॉइस सर्च से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो स्पेलिंग होगी MICROSOFT, और एज की स्पेलिंग होगी EDGE. Default. Speed rate. Slower. तो मैं स्पीड स्लो करता हूँ। Play Store. Edge. Slower. Play Store. Edge. Slower. Play Store. Edge. Faster. Play Store. Edge. तो I think ये स्पीड आपके लिए पर्याप्त है। तो मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ और देखते हैं फर्स्ट रन एक्सपीरियंस। Page 1 of 2. Microsoft Edge First Run Experience. Sign in to turn on sync heading. तो देखिए, यदि आप इसमें सिंक ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसमें जो भी यूज़ करना चाहें, तो वो आप इसमें वो अलग, उसमें भी अलग, यदि आप पीसी वगैरह में भी ब्राउज़र यूज़ करना चाहें तो यही आप ब्राउज़र मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। और अगर चाहें तो कि आपको इसका डेटा वो आपको अदर डिवाइसेस, पीसी या अदर फ़ोन में यूज़ करना चाहें, तो आपको वहाँ पे भी ये ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा जो है वो मिल जाए। तो इसके लिए आप सिंक ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट डालना होगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। अभी मेरे पास है अकाउंट, लेकिन मैं साइन इन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर साइन इन लेटर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर चूज एंड अकाउंट, साइन इन टू, टैप टू स्टॉप, 221 220, साइन इन टू टर्न ऑन सिंक हेडिंग, टैप टू स्टॉप, टैप 225, चूज एंड अकाउंट बटन, यू कैन अपडेट, साइन इन लेटर बटन। तो साइन इन लेटर पे मैं जा रहा हूँ। सेट अप फॉर योर डेटा शेयरिंग प्रेफरेंस हेडिंग। तो ये डेटा शेयरिंग प्रेफरेंस आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर दो टाइप का डेटा होता है, एक रिक्वायर्ड डेटा होता है, वो तो आप माइक्रोसॉफ्ट को शेयर होगा ही, और एक होता है ऑप्शनल डेटा, डायग्नोस्टिक डेटा। जो ऑप्शनल डेटा होता है वो आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि नहीं आपका डेटा शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। Required diagnostic data is collected to keep Microsoft Edge secure, up to date and performing as expected. तो ये required है। Microsoft privacy statement link. इसके लिए आप Microsoft की privacy statement पढ़ सकते हैं, इस link पर क्लिक करके। Terms of use link. और यहाँ से इनकी terms and condition पढ़ सकते हैं। Not it. Help improve Microsoft products by sending optional diagnostic data about how you use the browser, websites you visit, and crash reports. Tick box. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ऑप्शनल डेटा, क्रैश रिपोर्ट्स वगैरह सब माइक्रोसॉफ्ट को शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ। Learn more about diagnostic data collection button. और डायग्नोस्टिक डेटा जो ऑप्शनल होता है, तो इसको
आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करके इसके बारे में सब कुछ। टैप टू स्टॉप, टैप टू चेंज सेटिंग, कंफर्म बटन, माइक्रोसॉफ्ट एज वर्सेस कर रहा हूं, ये ऊपर की तरफ आपको मिलेगा बटन। सेट माइक्रोसॉफ्ट एज एज योर डिफॉल्ट ब्राउजर, नो थैंक्स बटन। अब एक और सेटिंग खुल गई कि डिफॉल्ट ब्राउजर, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एज को डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में सेट करना चाहते हैं अपने फ़ोन में? तो मैं नो थैंक्स कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट एज एक डिफॉल्ट ब्राउजर बने, बल्कि कि हर बार मेरे पास ऑप्शन आए। टैप टू स्टॉप, टैप टू चेंज सेटिंग्स, अगर आप यस लेट्स डू इट बटन, अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट ब्राउजर बने तो यहाँ पर क्लिक करके कुछ सेटिंग खुलेगी तो आपको वो करना होगा, उसके बाद आपका जो है डिफॉल्ट ब्राउजर एज बन जाएगा। तो मैं इसके लिए लेटर कर रहा हूँ, नो थैंक्स, नो थैंक्स कर रहा हूँ। एज अकाउंट मेन्यू बटन, तो फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट मेन्यू। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट में अपने अकाउंट से साइन इन करते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अकाउंट मेन्यू खोल सकते हो और अनदर अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हो। और यदि आपके फ़ोन में दो तीन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हैं तो यहाँ से भी शो हो जाएंगे और यहाँ से आप साइन इन करके अपना डेटा सिंक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन क्या मिलता है, ये सबसे पहला ऑप्शन है लैपटॉप पे जो आपको मिलता है। इसके बाद का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू टैब पेज लेआउट सेटिंग्स बटन, न्यू टैब पेज लेआउट सेटिंग, मतलब पेज लेआउट की सेटिंग मिल रही है जो न्यू टैब की, क्योंकि हमने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एज को इंस्टॉल किया है तो इसलिए ये सेटिंग मिल रही है, तो इस सेटिंग पे हम नहीं जा रहे हैं। इमेज ऑफ द डे, कोमोडो नेशनल पार्क बटन, इसके बाद हमें मिल रहा है इमेज ऑफ द डे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज में इमेज ऑफ द डे शो होता है, जैसे आपने गूगल पे डूडल देखा होगा ऐसा ही कुछ कुछ ऐसा ही है, तो वो उस दिन के बारे में स्पेशल जानकारी देते हैं। हाँ, गूगल का डूडल तो कभी कभी होता है वो स्पेशल ओकेजन पे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एच का ये इमेज ऑफ द डे डेली चेंज होता ही है। तो इसके बाद का ऑप्शन हम देखते हैं, सर्च फॉर टाइप वेब एड्रेस एडिट बॉक्स, इसके बाद ये सर्च ऑप्शन है जो जनरली ब्राउजर्स में मिलता ही है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है स्टार्ट कैमरा सर्च बटन, कैमरा सर्च, इस पे क्लिक करके आप इसको परमिशन देंगे और आप कैमरे के माध्यम से किसी भी चीज की फोटो क्लिक करके यहां से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है स्टार्ट वॉइस सर्च बटन, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वॉइस के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आप गूगल या गूगल क्रोम में अक्सर करते ही आ रहे हैं। टॉप साइट्स, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है टॉप साइट्स का, यहाँ पर आपने गूगल क्रोम में भी देखा होगा, ये कोई ज़्यादा एडिशनल नहीं है, ये तो इंटरफेस सेम ही है। न्यूज, फेसबुक, आउटलुक, विकिपीडिया, इंडिया टाइम्स, टॉप साइट 5 ऑफ 7 बटन, डबल टैप एंड होल्ड टू रीऑर्डर एडिट, गो टू कॉलम 1, सात साइट ऐड है, क्विक बस, फ्लिप इट, टॉप साइट 7 ऑफ 7 बटन, डबल टैप एंड होल्ड टू रीऑर्डर एडिट, कॉलम 3, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इनको रीऑर्डर करने के लिए होल्ड करना पड़ेगा और बाकी आप इनको रीऑर्डर का मतलब इनको इधर उधर करना। तो इसके बाद आता है ऑप्शन, सात तो खत्म हो गई, तो इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड साइट बटन, डबल टैप ऐड साइट, कॉलम 4, ऐड साइट करने का, अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो साइट ऐड कर सकते हो आप, तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी। न्यूज एंड मोर आउट ऑफ ग्रिड, इसके बाद न्यूज एंड मोर की हेडिंग आ गई, तो इसमें आपको नीचे न्यूज देखने को मिलेंगी, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज कॉम वेब व्यू, तो ये हेडिंग है, एक तरीके से वेब व्यू है माइक्रोसॉफ्ट न्यूज, यहाँ पर है पर माइक्रोसॉफ्ट न्यूज के नीचे माय फीड कॉम टैब, तो देखो माय फीड टैब जो है वो सिलेक्टेड है। इसके बाद पर्सनलाइज्ड कॉम टैब, पर्सनलाइज्ड टैब है, तो इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, द एज ऑफ डार्कनेस रिकॉर्ड्स हाईएस्ट व्यूअरशिप एवर ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रोवाइडेड बाय जी न्यूज़, कॉमन ग्राफिक, अजय देवन रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस रिकॉर्ड्स हाईएस्ट व्यूअरशिप एवर ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रोवाइडेड बाय अजय देवन रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस रिकॉर्ड्स हाईएस्ट, तो यहां पर आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है, सी न्यूज़, यूएस नॉट न्यूज़, यूएस नॉट टू नेटो फॉर सेंडिंग फाइटर जेट्स टू यूक्रेन फाइंड्स नो टेकर्स, कॉमन, यूएस नॉट टू नेटो फॉर सेंड,
तो यहाँ पर ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी है। तो पर्सनलाइज पे क्लिक करके देखते हैं हम क्या है। Microsoft Select, Microsoft News, Vertical Bar, Copyright 2000, Vertical Bar, Copyright 2000, Vertical Bar, Micro, Travel, Comma Button, Travel, Travel, Follow Two Wheelers in, Two Wheelers, Follow Autos News. तो पर्सनलाइज में जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे रिलेटेड आप न्यूज़ चाहते हैं, तो जिसको आपने फॉलो किया होगा वो आपको पर्सनलाइजेशन में शो करेंगे। तो अभी के लिए मैं Outlook top site 307 Wikipedia Quick Bar Clipped at us news Microsoft News Common Web View My Feed पे आता हूं वापस। यहाँ पर इंग्लिश में मिल रही है हमें न्यूज़, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में मिले यहाँ पर न्यूज़, तो आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होगी माइक्रोसॉफ्ट टच की सेटिंग। जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं बॉटम में, बॉटम लेफ्ट में ऑप्शन मिलता है गो बैक, उसके बाद लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे Go forward बटन मिलता है। एक ही पेज खुला है तो इसलिए नहीं कुछ भी नहीं आ रहा। ब्राउजर मेन्यू बटन, इसके बाद ब्राउजर मेन्यू ऑप्शन खुलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इसमें हम जाएंगे। One open tab, double tap to switch tabs, इसके बाद टैब वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने टैब स्विच कर सकते हैं। वन ओपन टैब ओनली अभी। इसके बाद आखिरी ऑप्शन शेयर है, अगर आपने कोई साइट ओपन खोल रखी है तो इस पे क्लिक करके आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। One up, go forward, browser menu, तो ये ब्राउजर मेन्यू पे हम जाते हैं अभी। Favorites, item one of five. तो favorite पे जा, change menu, out of list, destination items. तो ये देखो ऑप्शन एक पॉपअप आ गया, change your menu. क्योंकि हमने पहली बार एच ओपन किया है तो इसलिए। Drag icons to rearrange your menu. Okay, button. Tap to stop. Okay, तो इसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो ओके करते हैं अभी। Edge, favorites, item one of five, in list, destination items. तो पहला ऑप्शन है favorites. History, item two of five. तो दूसरा ऑप्शन है history. तो इन ऑप्शन को आप नाम से ही पहचान जाओगे कि favorites, item one of five. जो साइट आपने add to favorite की हुई है वो यहाँ पर शो होंगी। History, item two of five. जो हिस्ट्री मतलब जो पहले आप विजिट कर चुके हैं वो यहाँ पर शो होंगी, उसको मैनेज और डिलीट कर सकते हैं। Collections, item three of five. इसके बाद कलेक्शन, कलेक्शन में आपको जो आपके कलेक्शंस हैं आपने किए होंगे एच में तो वो यहाँ पे शो होंगे। Downloads, item four of five. इसके बाद चौथा ऑप्शन डाउनलोड्स का है, जिसमें आप अपने डाउनलोड्स देख सकते हो एच के द्वारा जो चीज़ डाउनलोड की होगी। इसके बाद आखिरी ऑप्शन Settings, item 5 of 5. Setting tab. तो ये पांचवा टैब है, आखिरी टैब। तो ये चीज है, आप यहाँ पर जाके अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। Search web, item 1 of 18, in list action items. इसके बाद देखो फेवरेट पेजेस में कौन कौन से पेज मिल रहे हैं। Home, item 2 of 18. Send to devices, item 3 of 18. Add to collection, item 4 of 18. Add to favorites, item 5 of 18. Voice search, item 6 of 18. Download page, item 7 of 18. New tab, item 8 of 18. New in private, item 9 of 18. Find on page, item, read aloud, item 13 of 18, disabled. View desktop site, item, read aloud, item 13 of 18, disabled. View desktop site, item 14 of 18, disabled. तो नीचे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। Read aloud, add to phone, item 12 of 18. Image search, find on page, item 10 of, image Add to phone, item 12 of 18, disabled. तो read aloud, add to phone, item 12 of 18, disabled. Add to phone, disable. Read aloud, item 13 of 18, disabled. Read aloud भी disable है क्योंकि आज साइट नहीं खुली है ये, तो ये सारे बटन disable आ रहे हैं अभी। View desktop site, item 14 of 18, View desktop भी disable आएगा। Exit browser, item 15 Exit of 18. Browser. तो ये कुछ settings से related option है जो settings में भी आपको देखने मिलेगी। Image search, item 11 of, find on page, new in private, new tab, Download page, voice search, add to favorites, item, add to collection, send to devices, item 3 of 18, disabled. तो यहाँ पर Home, item 2 of 18, disabled, send to, add to collection, item 4 of 18,
Add to favorites. Item 5 of 18. Disabled. ऊपर वाले टैब्स पे ही जाते हैं. Favorites. Item 1 of 5. In list. Destination items. तो favorites. Dub settings. Item. Downloads. Item. Collections. Item 3 collection of 5. Collection पे एक बार जाते हैं हम लोग. और history. Page. History. Heading. Pages that you have visited. History out of list. में बिल्कुल खाली है. देखो इसने बताया अभी. Page. History. Heading. Pages that you visited. Appear here. ठीक है. Page. History. Selected. History. Downloads. तो downloads में हम जाते हैं. Page. Downloads. Heading. You'll. Page. Downloads. Heading. You'll see current and past downloads here. Okay. तो देखो. Page. Downloads. Heading. You'll delete page. Download. Delete. Download. Page. Download. Close tab. Collections. Selected. Downloads. Tab. 3 of 4. Collections. Tab. 4 of 4. History. Tab. 2 of. Selected. Collections. Tab. 4 of 4. Close tab. Page. Downloads. Delete. Downloaded file. Search downloads button. 7:30. Favorites. Tab. 1 of. His. Page. Downloads. Heading. You'll see current and past. Download. Delete. Downloaded file. Search downloads button. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं और HK. तो सेटिंग में हम जाएंगे अगली वीडियो में. तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा. तो आप HK का यूज़ करना इस्तेमाल करें, खुद भी एक्सप्लोर करें और कोई भी इशू आए आप कमेंट करें. तो बताइएगा ये ब्राउज़र कैसा लगा आपको, इसका इंटरफेस कैसा लगा. और इसमें तो बहुत सारे फीचर हैं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है. अभी तो मैंने बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दिए हैं कि इसके किस तरह से इसके ऑप्शन शो होते हैं आपको. तो ये बेसिक ओवरव्यू था माइक्रोसॉफ्ट की एच की सेटिंग कैसे करनी है. इसकी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में. तो इस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको अगर हमारी अगली वीडियो आए माइक्रोसॉफ्ट एच की सेटिंग की वीडियो आए या और कोई वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो का लाभ उठा सकें. और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इन यूनिक वीडियो से लाभ हो सके. तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए.